वेलकम बैक टू फैशन टू लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग बाय सोमा संतरा। तो आज आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे मम्मी हैं। तो आज हम मम्मी के साथ घूमने जा रहे हैं, तो मैं यही ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम मम्मी के साथ। सो मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपको निकल के बताती हूँ। मैं इस तरह से रेडी हो गई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ। और मम्मी देखो ऐसे साड़ी पहनी है, ये कोलकाता का बड़ा बाजार से खरीदा हुआ साड़ी है। बताइएगा कैसा लग रहा है मम्मी का साड़ी। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, चलिए मिलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, देखते हैं अभी ऑटो पास जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम लोग को बहुत चलना है तो ऑटो में बैठ के मैं मिलती हूँ आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर ऑटो में बैठ चुके हैं, अब हम लोग चल रहे हैं रांची की तरफ। तो कैसा लग रहा घूमते आज? बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ से टाटी सिल्वे से निकल रहे हैं, यहाँ से हम लोग खेलगांव जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग पैंटालूंस की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे हम लोग। तो ये हम लोग का सुवर्णरेखा नदी है, बहुत पुराना मेरा बचपन गुजरा है ये जगह में। नेशनल गेम्स हुआ करता था, अभी यहाँ पर सब फ्लैट्स बने हुए हैं। रांची में कभी भी घूमने आइएगा तो यहाँ पर यही चीज़ का खराबी है कि बहुत सारा ऑटो चेंज करना पड़ता है, नहीं तो बस यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ऑटो चेंज करना पड़ता है। अभी हम लोग खेलगांव में उतरेंगे, वहाँ से ऑटो चेंज करके हम लोग आने ऑटो की ओर बढ़ेंगे। मॉल है यहाँ पर, रिलायंस ट्रेंड है, देखते हैं कुछ शॉपिंग करेंगे। सबसे पहले तो कुछ शॉपिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो यहाँ से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में थोड़ा सा आगे में ही रिलायंस ट्रेंड है, पैंटालूंस है, यहाँ पर बारबेक्यू नेशन भी है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। ऑटो भाड़ा यहाँ पर इतना ज़्यादा लिए रहा है, बापरे। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा खेलगांव तक आने में टाटी सिल्वे तुम्हारा नदी साइड से आने में कितना लेता है, 30 रुपये भाड़ा है क्या? मुझसे 30 रुपये लिया, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा भाड़ा। फिर वहाँ से खेलगांव से यहाँ कानाटोली आने में मुझे मेरे से 25 रुपये लिया, मतलब दो जन का 50 रुपया। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सच में इतना भाड़ा है कि हम लोगों से ज़्यादा लिया है, प्लीज़ बताइएगा। मुझे तो मेरा मैं तो होश उड़ गया सुन के, बाप रे। हम लोग कोलकाता में इतना नहीं होता है, इतना भी नहीं होता, बस रहता है, यहाँ पर ऑटो है साथ इसलिए साथ भाड़ा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भाड़ा है यार, रियली। तो अभी हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं मम्मी के साथ, तो देखते हैं अगर ब्लॉक कर पाएंगे अंदर में तो ब्लॉक करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा मजाक? अरे कहना क्या चाहते हो? एक्चुअली मजाक आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रांची में संडे को लॉकडाउन रहता है और मैं संडे को ही निकली थी और हम लोगों को किसी को भी याद नहीं था, ना मेरे पापा को याद था, ना मम्मी को याद था, ना मेरी फ्रेंड जो मुझे हेल्प कर रही थी जाने में उसको भी याद नहीं था। समझ रहे हो? पूरी तरह से हम लोग का बैंड बच गया। तो हम लोग वहीं से फिर से वापस ऑटो करके घूम के वापस घर आ।
और मैं ब्लॉग नहीं किया आते वक्त क्योंकि मेरा मूड पूरी तरह से ऑफ हो चुका था। तो गाइस टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा आज परेशान हो गई हूँ इसके चलते। तो कोई बात नहीं, मैं कल ज़रूर जाऊँगी, कल मंडे है। तो कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। डायरेक्टली कान टोली के बाद से आपको दिखेगा, यहाँ पर मम्मी भी बेचारी मेरी। कोई बात नहीं, हम लोग कल फिर जाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। हेलो, तो Hello. तो हम लोग मंडे को पहुंच गए हैं, तो हम ब्लॉग यहीं से शुरू कर रहे हैं क्योंकि कल ही शूट कर चुके थे। तो यहाँ मम्मी के साथ दोबारा आ गए हैं, कॉस्ट्यूम चेंज कर लिए हैं क्योंकि कल मैं जीन्स पहन के आई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, तो मैं किसी तरह की फ्रॉक पहन ली हूँ। तो आज का दिन कैसा जाता है, आई होप कि अच्छा जाए। तो आप लोग मेरे साथ। तो हम लोग यहाँ रिलायंस मार्ट पहुँच गए हैं, यहाँ ऊपर में रिलायंस ट्रेंड भी है। चलो तो हम लोग चलते हैं, ये रम्मा को देखते हैं हम लोग। सब लोग मुझे बियर्ड टाइप से देख रहे हैं। हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए हैं, तो देखिए पोछा पोछी शुरू हो गया यहाँ पर। तो हम लोग अंदर जाके बात करते हैं। कलेक्शन ही नहीं मिल रहा है। तो ऊपर आए हैं जूता देखने के लिए, हमको थोड़ा शूज लेना है अपने लिए, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों हम लोग रिलायंस ट्रेंड से निकल गए हैं, यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। तो हम लोग चलते हैं पेंटलून्स की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या अच्छा लगता है। पेंटलून्स के पास आ गए हैं, शायद अंदर में ब्लॉक करने नहीं देगा, तो देखते हैं अगर करने देगा तो करेंगे। तो फाइनली हम लोगों को पेंटलून्स में कुछ मिल गया। मम्मी ने कुछ नहीं लिया है, मैंने ही एक जीन्स लिया है और दो टी शर्ट लिया है, जो भी मुझे चाहिए था मैंने लिया, बहुत ज़्यादा कुछ मैं ख़रीदने वाली नहीं थी, तो ये मैंने लिया। और देखते हैं और कुछ ले सकते हैं, तो और भी आगे जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। सबसे पहले तो बहुत जोर से भूख लगा है, किधर चमा, बहुत जोर भूख लगा है। पहले हम लोग दोनों कुछ खाएंगे, देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट जाते हैं, आप लोग सब देख पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। क्या मन लग जमा घूरे हमारे साथ, भालो लग जे आप लोग को समझ में आता है, अच्छा लग रहा है। मम्मी को हिंदी को हिंदी में आता है। तो ये हम लोग का रांची का पैंटलूस था, तो होपफुली जो मुझे चाहिए था, जिस तरह का जीन्स, मैं घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को सब चीज़ क्योंकि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। तो आगे देखते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो हम लोग यहाँ पर सीजन रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ पर लालपुर चौक में ही है, ठीक राइट साइड लेफ्ट साइड में जाके। तो देखते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गाना बज रहा है, मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा हो। तो आपको हम लोग शेयर करते हैं यहाँ का खाना, तो मेरे साथ बने रहिए। ये इसमें से ये इसमें कितना पीस रहेगा, 199 में दो पीस रहेगा। तंदूरी चिकन मसाला, हाँ। दो पीस का, चार पीस का, आठ पीस का। अच्छा, ये रख लीजिए। कौन कितना पीस का? दो पीस वाला तंदूरी चिकन और वेज।
मम्मी को ये साड़ी मैंने गिफ्ट किया था, कैसा लग रहा है बताइएगा। हेलो बोलो क्या कहता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाटर हम लोग को मिल चुका है। तो हम लोग वाटर के साथ स्टार्ट करेंगे। चीयर्स। तो हम लोग का यहाँ पर चिली चिकन आ गया है, दिखने में तो यमी लग रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, नहीं। चलिए हम लोग खाना शुरू करते हैं। तो ऐसी हो भला लग रहा ना, दिखने में ड्राई लग रहा था लेकिन खाने में यम्मी लग रहा है। काली का बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। चिकन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था, अंदर से बहुत यम्मी लगा। और सब्जियों का क्रंच बहुत अच्छा आ रहा है। कोई कोई जगह में देखते हैं ड्राई चीज़ में बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, लेकिन ये अंदर से पूरा जूसी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। हल्का सा सॉस में टॉस किया हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या। मायरे बोरा से नहीं, मतलब मम्मी का भी हस्बैंड नहीं आया है, मेरे भी हस्बैंड नहीं आया है। हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ये है तंदूरी बटर, तंदूरी मसाला, चिकन मसाला, और ये है कुलचा, स्टफ कुलचा। तो देखते हैं कैसा निकलता है। कुलचा के अंदर में कुछ स्टफ डाला हुआ है, वेजिस का गार्लिक है ना ना तरह कुछ आज। कुलचा सब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, कुलचा और सॉफ्ट होता है। तो कुलचा तो मुझे ज़्यादा नहीं पसंद आया, लेकिन इसका ग्रेवी बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ा सा क्लम्जी हो गया डालते डालते, जो भी है। इसमें ये वेज पुलाव है, हम लोग उधर बंगाली में बासंती पुलाव होता है, लेकिन इस तरह का पुलाव मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। नाची में इस तरह का ही मिलता है। तो इसमें पनीर है और गाजर है, बीन्स है और फूलगोभी भी है। तो वही करते इस तरह कैसा लगता है। खाना बिल्कुल ही लाइट है, खबर एकदम हल्का बोला, खाना एकदम लाइट है। तो ऑयली बेमतलब का बहुत सारा मसाला ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, काफ़ी लाइट खाना है। ओवरऑल टेस्ट काफ़ी अच्छा है और बजट में भी ठीक है।
थोड़ा सा कम लग रहा है हमको, लेकिन ओवरऑल ये खाने में अच्छा लग रहा है। जो भी लाइट है, बहुत काफ़ी लाइट है, तो मैं बताने भूल गई थी, उससे बना दी। तो गाइस हम लोग का खाना हो गया है, अभी हम लोग का आइसक्रीम आ रहा है, वो खाएंगे उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा, यहाँ का जगह अच्छा लगा, और यहाँ पर खाना वाना भी बहुत ज़्यादा लाइट था, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो वही कैमन लग लमा तो बोले था कैमन लग लमा मेरा बेटी सामने बहुत अच्छा था ना, ये बढ़िया था गुरु। बेटी के साथ आके बहुत अच्छा लगा मम्मी को, मन करता है इधर उधर घूमने उमने का, पापा कहीं लेके ही नहीं जाते हैं, वही तो छुट्टी भी नहीं रहता है और पापा बहुत ज़्यादा बोरिंग भी, कहीं लेके भी नहीं जाते। आप लोग ले जाइए, अच्छा लगेगा। हम लोग को आइसक्रीम मिलता है, आइसक्रीम मिल जाएगा तो फिर खा के हम लोग निकलेंगे, बता देखते कहाँ जाएंगे। दोस्तों आप मम्मी का चेहरे पे वो हंसी देखिए, क्यों पता है? क्योंकि मम्मी को आइसक्रीम बहुत 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 अच्छा लगता है। आई एम सो हैप्पी कि मैं उन्हें थोड़ा सा मैं खुश कर पाई आज। तो बहुत ही अच्छा खाना पीना हुआ हम लोग का, यदि कैसा फ्राइड है गाड़ी आज। तो अभी हम लोग चलेंगे, देखते हैं कुछ कुछ और छोटा मोटा पर्सनल थिंग्स लेना है, तो देखते हैं अगर होता है तो फिर हम घर चले जाएंगे। तो अभी ख़त्म नहीं कर रहे ब्लॉग को, घर में जाके ख़त्म करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं उदय मिश्रण भंडार से, वहाँ से कुछ मिठाई लिए और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। ऑटो में बैठे हैं, ऑटो में बैठ के हम लोग घाटे पर जाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे टाटे से ले, घर जाके बात करते हैं। मतलब लिटरली मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, अपने फेस से ही आपको लग ही रहा होगा। बस मैंने बस हाथ पैर धोया, अच्छा से फ्रेश हुआ, और तो मैंने आपको बोला था कि मैं क्या क्या ली थी वो सब दिखाऊंगी, तो इसीलिए तो मैं ब्लॉग को एंड नहीं की थी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या। सबसे पहले तो ये वाली जो टी शर्ट है ये 100 रुपीज़ की ही है, तो ये वाली टी शर्ट ऑफ़र में थी, मुझे मिल रही थी, तो मैंने इसे पिक कर लिया। और अनदर वन नेक्स्ट टी शर्ट मैं ये वाली टी शर्ट ली हूँ, तो कलर हमको बहुत अच्छा लगा था, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा था, तो मैं इसे भी पिक कर लिया। एक्चुअली है 399 की, लेकिन ये मुझे 50 रुपीज़ ऑफ में पड़ा, तो 350 रुपीज़ पे मेरा ये हो गया। और नेक्स्ट मैं ये पैंट जीन्स ली हूँ, थोड़ा डिफरेंट जीन्स ट्राई करने का मुझे मन था इस बार, क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ा डिफरेंट यूज़ करूँगी, और ये मम्मी बुला रही थी इसलिए कट करना पड़ा। तो जो भी है मैं और सक नहीं रही हूँ दोस्त, तो ये पैंट मैंने ब्लैक में ही लिया है, प्योर ब्लैक है, और इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ सामने इस तरह से पैंट यहाँ से ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ पर ब्रॉड हो जाता है, इस तरह से ब्रॉड भी है,
तो ये पहनने के बाद बहुत अच्छा ही लुक आ रहा था। तो ये मेरा साइज 34 में है, 34 मेरा परफेक्ट साइज होता है मेरे लिए। तो सबसे ख़राब बात ये था वहाँ की कि मैं वहाँ पर ट्राई नहीं कर सकती थी, तो कोरोना के वजह से ट्रायल वहाँ अलाउड नहीं था। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो आपका मतलब होता है ना, मेज़रमेंट लेने के बाद ही वो लोग मतलब आपको प्रोवाइड करेंगे ड्रेस। तो ओवरऑल ये ठीक है, फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा कूल लुक आ रहा है। लेकिन क्या पता मैं अभी खाना खाई हूँ इसलिए मेरा पेट साथ और फुल्ला लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा मतलब टाइट हो रहा जा रहा है। तो एक्सरसाइज करके थोड़ा सा कमाना पड़ेगा, फिर मैं इस पर फिट आ जाऊँगी। फिट अभी भी आ गई हूँ, लेकिन होता है ना कि जो कष्ट हो रहा है वो ना हो। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है दोस्तों। तो यही सब मैंने लिया, और कुछ एक परफ्यूम मैंने लिया है पापा के लिए, तो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो परफ्यूम ये वाला मैंने पापा के लिए लिया है, इंगेज। एक्चुअली ये वाला स्मेल ये वुमेन की है, लेकिन ये वाला स्मेल पापा को ना जनरली परफ्यूम का स्मेल पसंद नहीं आता है। वो हमेशा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अजीब स्मेल है, हमको नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जब मैंने पापा को लगा दिया तो पापा को एक्चुअली अच्छा लगा। तो मेरे पास ये एक बॉटल है यही कलर की, देख लीजिए पर्पल वाली। तो ये चीज़ पापा को बहुत अच्छी लगी है स्मेल, तो मैं सोचा चलो पापा को मैं ये दे देती हूँ। और ओनली पापा को, पापा लोग जो होते हैं ना खुल के कोई बात बोलते नहीं हैं, और वो लोग ना थोड़े से ऐसे होते हैं कि थोड़ा पैसा बचा लेते हैं, बेटा बेटी लोग को दे देते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो इसीलिए ना आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने पेरेंट्स की बात को मतलब होता है ना दिल की बात को समझने का। तो मुझे ऐसा लगा कि पापा को ये चाहिए, पापा ने मांगा नहीं तो आपको अच्छा लगा तो मैं ये ले ली, और वो ये ली हूँ। और मम्मी के लिए छोटा बहुत तो ही मतलब बाकी सब छोटा मोटा ही चीज़, ज़्यादा कुछ दिखाने वाला चीज़ नहीं है, सब इनर वेयर्स ये सब ही ली हूँ मैं अपने लिए भी, मम्मी के लिए भी। तो बस यही छोटा मोटा चीज़ मैं ली हूँ। तो आज का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टायर्डनेस वाला था, लेकिन अगर बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। तो आज की वीडियो, आज की ब्लॉग मैं यही पॉजिटिव नोट में एनर्जी के साथ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ कि देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना वो अपना खुशी कभी भी बोलते नहीं कि मुझे ये पसंद है मुझे ये ला के दो, मुझे ये पसंद है मुझे वो वाला के लो। ये चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए कि वो लोग को क्या पसंद है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वो लोग को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या फिर बहुत कुछ हाईफाई नहीं चाहिए होता है। वो लोग को बस चाहिए होता है थोड़ा सा इंसान उसको टाइम दे, प्यार दे, यही दो चीज़ चाहिए होता है मम्मी पापा लोगों को। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी यही कि मम्मी पापा जो होते हैं ना मतलब होते हैं ना दुनिया में हर एक पर्सन मतलब आएंगे जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं ना वो एक ही रहते हैं, है ना। तो मैं ये खुद रियलाइज़ करती हूँ, मैं जानती हूँ मैं बाहर रहती हूँ, तो मैं पहले मैं बोल नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ। लेकिन मेरे लिए मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि उन लोगों को खुश करने की कोशिश करती हूँ कि मैं एक अच्छी बेटी बन सकूँ। पता नहीं मैं कितना अच्छी बेटी बन सकी, लेकिन कोशिश तो यही रहता है कि मैं अच्छी बेटी बन सकूँ। तो बस यही मैं कहूँगी कि पढ़ाई करो, अर्न मनी, कीप देम स्पेशल, फील स्पेशल एवरी टाइम, और अपना लाइफ को हैप्पीली इंजॉय करते हुए मतलब लाइफ को स्पेंड करो। और फ्रेंड के साथ घूमने आते हैं, डेटिंग में जाते हैं, लेकिन हम लोग पेरेंट्स को भूल जाते हैं, है ना। अच्छा लगा मुझे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मम्मी के साथ डेट जाके। ऑन दिस पॉजिटिव नोट मैं बंद कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मम्मी बुला रही है, मम्मी बंद कर दी है गेट ताकि मम्मी को डिस्टर्ब ना करे, वो अभी आएगी और उनको बहुत मानने वाली है। तो मैं जा रही हूँ मार खाने और सोने, तब के लिए बाय बाय, स्टे काइंड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल।